Good morning, students. Next, today's topic, Hayek's newborn. Hayek's newborn, कि जब बच्चा या इन्फेंट न्यूनम जब पैदा होता है तब वह हायरिक्स न्यूबॉर्न किस प्रकार होता है वो देखिए. डेफिनेशन क्या होता है. ए हायरिक्स न्यूबॉर्न टैग के बर्थ सीवियर कॉम्प्लिकेशन कंडीशन एंड गिविंग इमीडिएट इंटरवर्शंस टू कॉल हायरिक्स न्यूबॉर्न. हिंदी में जैसे कि जब बच्चा मतलब सीवियर कॉम्प्लिकेशन के साथ में पैदा होता है और उसे तुरंत इमीडिएट इंटरवर्शन की आवश्यकता होती है तो हम कहते हैं हायरिक्स न्यूबॉर्न. हायरिक्स न्यूबॉर्न्स में हम ये कैसे इंडिकेट करते हैं कि एक जो नॉर्मल न्यूबॉर्न है या हायरिक्स न्यूबॉर्न है उसको हम सीवियर कंडीशन के लिए या सीवियर इमरजेंसी सर्विस के लिए हम भेजते हैं. पहला ये होगा कि अगर जो न्यूनेटल वेट है वो लेस देन अगर कम है लेस देन तो वो हायरिक्स न्यूबॉर्न में आता है. नेक्स्ट जो गेस्टेशन एज है गेस्टेशन एज यानी वे 30 वीक्स से कम है यानी लेस देन तो वो थोड़ा विक्स बॉर्न में आता है हायरिक्स न्यूबॉर्न में आता है. नेक्स्ट इसमें अगर ये होगा कि अगर आरएच इनकम्प्लीटिटी है अगर मदर आरएच इनकम्प्लीटिटी है तब वे हायरिक्स न्यूबॉर्न में आता है. नेक्स्ट इसमें अगर ये लेते हैं कि सीवियर एस्फिक्सिया है वो न्यूबॉर्न हायरिक्स न्यूबॉर्न में आता है. नेक्स्ट लेते हैं कि अगर आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो न्यूबॉर्न हायरिक्स न्यूबॉर्न में आता है. नेक्स्ट किसी प्रकार की कोई एब्नॉर्मलिटीज है या डिसऑर्डर है तो वो हायरिक्स न्यूबॉर्न में आता है. तो ये तो जो कंडीशन है हायरिक्स न्यूबॉर्न की कंडीशन थी. अब लेते हैं नॉर्मल इंडिकेशन कैसे करते हैं हम कि नियोनेट्स को या इन्फेंट्स को कोई स्पेशल केयर की रिक्वायर्ड है या आवश्यकता है. फर्स्ट में ये होता है कि अगर जो सेम लेस वेट अगर 18,000 उनसे कम है लेस देन तो वो आ गया. अगर 34 वीक से कम है गेस्टेशन एज लेस देन नो इंडिकेशन गया. नेक्स्ट नॉर्मल इंडिकेशन में हम क्या देखते हैं कि म्यूकोनियम है 24 हम इंडिकेट करते हैं अगर नहीं आए तो वो एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर को या मालनूट्रिच को इंडिकेट करता है. अगर सीवियर वोमिटिंग है या वाटरी डायरिया है या किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग है तो वो भी हमें ये इंडिकेट करते हैं कि न्यूनेट्स को कोई स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट है आवश्यकता है. इसमें ये भी इंडिकेट कर सकते हैं स्किन कलर्स के द्वारा हम भी मतलब इंडिकेट कर सकते हैं जैसे साइनोसिस है अगर ब्लूइश स्किन कलर है या येलोइश स्किन कलर है जो जॉन्डिस को इंडिकेट करता है और ब्लूइश स्किन कलर है तो वो साइनोसिस को इंडिकेट करता है. तो ये कुछ कॉमन कंडीशन थी हायरिक्स बोन्स में जो हम इंडिकेट कर सकते हैं. अब लेते हैं हम बर्थ एस्फिक्सिया. पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है कि बर्थ एस्फिक्सिया जो लीडिंग करता है न्योनेट मोर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी को जो लीडिंग करता है यूनिट्स में मोर्बिडिटी एंड मॉर्बिडिटी को ये क्योंकि ये मार्क मृत्यु दर और मृत्यु दर को लीडिंग करता है बर्थ एस्फिक्सिया. ये 5-10% एक्सोप्लीमेट होता ही है. 5-10% बच्चों में एक्सोप्लीमेट होता है. नेक्स्ट लेते हैं डेफिनेशंस. डेफिनेशन फेलियर ऑफ इनिमिटेटेड एंड प्रॉपर मेंटल एस्पेक्शन बाय चैक्टराइज्ड हाइपोवेंटिलेशन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस.
यानी हाइपोवेंटिलेशन, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस या मेटाबॉलिक एसिड के द्वारा उच्च श्वसन दर को बनाए रखने में जो विफलता होती है उसको हम कहते हैं बर्थ एस्पेक्सिया। बर्थ एस्पेक्सिया डेफिनेशन हो गई आपकी फेलियर ऑफ इनिशिएटेड एंड मेंटेन रेस्पिरेशन प्रॉपर मेंटेन रेस्पिरेशन। इटियोलॉजी में तीन कारण है। पहला है प्रीपार्टम प्रसव को, सबसे पहला कारण डायबिटिक मदर, एनीमिक मदर, माल न्यूट्रिशन, एक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया एंड मेडिकल एब्यूज यानी ड्रग एडिक्शन के कारण जो होता है वो प्रीपार्टम होता है, जिसके कारण बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है। सेकेंड रीजन इटियोलॉजी में इंट्रा पार्टम, प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, टाइट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड टू राउंड ऑफ द नेक इन्फेंट, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोलैप्स होना या अम्बिलिकल कॉर्ड का बच्चे के नेक के गर्दन के चारों तरफ राउंड होना, घूमना, जिसको बर्थ एस्पेक्सिया को इंडिकेट करता है। थर्ड रीजन पोस्ट कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, जैसे कार्डियोवैस्कुलर है, न्यूरोवैस्कुलर है या अदर कोई एब्नॉर्मलिटीज है तो वो पोस्टमार्टम को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं कि एस्पेक्सिया का क्या फिजियोलॉजी होती है। उससे पहले होता है कि रिडक्शन ऑफ ओ2 टेंशन, यानी ओटी जो है ऑक्सीजन का है जो तनाव है वो कम हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि CO2 का ऑक्यूमेशन बढ़ जाता है एंड जो ब्लड का pH लेवल है वो गिर जाता है, जिस कारण से रिडक्शन इन ओ2 टेंशन CO2 लेवल क्यों बढ़ता है? क्योंकि एसिडिटी अकर एसिडिटी से बनता है, वह कैसे बनता है? यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एक्युमुलेटर ऑफ CO2। तो नेक्स्ट होता है फिर कैपिलरी डायलेशन, फिर कैपिलरी डायलेशन होता है कैपिलरी का खुलना बढ़ना, फिर कैपिलरी स्टेसिस होता है यानी ठहरना कैपिलरी, फिर
नेक्स्ट होता है कि कैपिलरी इन्वॉल्वमेंट, यानी कैपिलरीज का इकट्ठा होना या बढ़ना। फिर स्टेसिस इन ब्लड इन ऑर्गन्स, यानी जो ब्लड रक्त स्राव है वह ऑर्गन्स के अंदर ठहराव करता है, रुकता है, जिसके कारण से ऑर्गन्स स्टूलिट हो जाता है, संकुचित हो जाता है, जिसके कारण पुलमोनरी आर्टरीज रेज होती है, गिर जाती है, जिसके कारण से डेमिनिशस वेनियस रिटर्न होता है, यानी जो वेनियस रिटर्न यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को जो लिमिट करता है वह डेमिनिश हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण से रिड्यूस पल्मोनरी फ्लो, जिसके कारण से पल्मोनरी जो फ्लो है वो कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एस्फिक्सिया। तो ये होगी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एस्फिक्सिया। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्फिक्सिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहला है वीक रेस्पिरेशन, लो हार्ट रेट एंड वीक मसल स्टोन्स एंड सीजर्स। नेक्स्ट लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में 196 फिट्ज़पैट्रिक के अनुसार बर्थ एस्फिक्सिया, बर्थ यूनिट बर्थ एस्फिक्सिया दो टाइप्स होता है। पहला होता है लेविडा, नेक्स्ट होता है पेलिंगा। लेविडा एक कंडीशन इज है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्टेज होती है वो होती है साइनोसिस की, यानी एक कंडीशन की लेविडा स्टेज ऑफ साइनोसिस, जिसमें आप गार स्कोरिंग करते हैं अपन 4-6। नेक्स्ट है पेलिडा। पेलिडा एक कंडीशन की कंडीशन इज शॉक, यानी डिस्ट्रेस स्टेज ऑफ द शॉक, जिसमें आप गार स्कोरिंग करते हैं 0-3। यानी ये कंडीशन तो डिस्ट्रेस की है पर स्टेज होती है इसमें साइनोसिस की और इसमें होती है शॉक की। तो जो पेलिडा है वह लेविडा से ज्यादा कंडीशन सीवियर कंडीशन में होता है। तो ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एस्फिक्सिया। नेक्स्ट लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पहले सबसे पहले लेते हैं सक्शन। एक बार जब न्यूनज पैदा होता है तो सक्शन की काफी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो मेकेनियम को स्प्रेड कर सकता है डिलीवरी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, एंड कुछ फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो वो स्प्रेड कर सकता है, जिसके कारण सक्शन के द्वारा उनको बाहर आउट करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग करते हैं ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, और अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करने का भी है टाइम्स होता है। नेक्स्ट है आपके क्राइटेरिया ऑफ द असेसमेंट ऑफ एस्फिक्सिया। तीन क्राइटेरिया होता है एचआर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड स्किन कलर। जैसे कि पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं कि अगर हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, अगर रेस्पिरेशन रेगुलर है और एक्रोसाइनोसिस एक्रोसाइनोसिस मींस जो नियरनेस है उसके हाथ और पैर पर्पल कलर से होते हैं, पति जो बॉडी है पिक होती है, तो इसकी इस कंडीशन में हम एक रूटीन केयर हम दे सकते हैं नियरनेस को। सेकंड, अगर हार्ट रेट 100 से ज्यादा है और रेस्पिरेशन रेगुलर पर साइनोसिस कंडीशन है, तो हमें ओटो थेरेपी देनी पड़ती है। थर्ड कंडीशन क्या होता है, अगर हार्ट रेट 100 से कम है और इरेगुलर रेस्पिरेशन है और साइनोसिस भी है, तब हमें पॉजिटिव प्रेशर प्लस वेंटिलेशन मास्क एंड एम्बुबेक और ओटो थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हार्ट रेट 100 से भी 60 से कम है और इरेगुलर रेस्पिरेशन है और साइनोसिस तो है, देन इज इमीडिएट CPR या रिसर्चुटेशन, CPR एंड रिसर्चुटेशन। देन इज कंप्लीट इज हाई रिस्क न्यूमोन, फर्स्ट इज डेफिनेशन, देन बर्थ एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिमिया डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी
clinical manifestation, pathophysiology, clinical features and management. Then it's complete with birth aspexia. Thank you everyone.